करे। शुरू करें आप सबको मेरा नमस्कार और मुझे याद है कि 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बैंड बैन किए जाएंगे तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर यह एक बड़ा कदम था मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है उसको कौन दे रहा है किस लिए दिया जा रहा है क्या मोटिव है ये लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है और ये वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था 2017 से ये जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए करीब 21 दिन का वक्त मिला था जैसा कि मैंने कहा पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी उनका बढ़ता हुआ प्रभाव नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम की एस सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा और एस ने यह कर दिखाया SBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में SBI असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए मतलब, मतलब टोटल पांच महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए इसके लिए एसबीआई को पांच महीने चाहिए वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट है वो एस बी आई जिसकी तेईस हजार के करीब ब्रांचेस है वो एसबीआई जो छाछ हजार ए टी एम चलाता है पूरे देश में उसको बाईस हजार दो सौ सत्रह बॉन्ड किसने दिए उसका विवरण देने के लिए पांच महीने चाहिए यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से असहज थी 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले जिसमें दो तिहाई अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले करीब पैंसठ सौ करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और करीब 9% परसेंट अबाउट एक हजार करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को मिले तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी चिंतित इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था क्यों दे रहा था यहां पर आपको एक और रिपोर्ट का की याद दिलानी जरूरी है एक रिपोर्ट आई थी न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने करी थी उन्होंने कहा था तीस ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने तीन करोड़ 2018 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को दिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी चाहे वो इनकम टैक्स हो सीबीआई हो या ईडी हो इसमें से 23 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था तो क्या ये क्विड प्रो को था क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया क्या यह भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीति बनाई गई क्या यह सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जांच बंद करी गई क्या यह सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके चंदा ना देने पर किसके खिलाफ जांच खोली गई चंदा लेकर बंद कर दी गई तो चंदा का भांडा फोड़ हो जाता इसलिए एसबीआई का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए चुनाव निपट जाएगा चुनाव के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीति निर्माण होता है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जनता को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है जनता जानती है कि अगर आपके खाते अगर आपके खजाने एक दो व्यक्ति पैसों से भर रहे हैं तो ये सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं हमारे इस मंच से कुछ सवाल है और सवाल बड़े स्पष्ट है और बड़े कम है पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज बैंक एस को 22,200 इलेक्टोरल 217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए पांच महीने का समय क्यों चाहिए यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए हमारा दूसरा सवाल यह है कि एस को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले एस क्यों जागा क्या एस को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा और यह एक बड़ा सवाल है एक और सवाल है और उसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट छाछठ हजार करीब एटीएम, 23,000 तेईस हजार करीब ब्रांचेस होने वाले एस को बाईस हजार महज अकाउंट के लिए पांच महीने चाहिए ये कितना हास्यास्पद है एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है इस आर्थिक अनियमितता को इस काले ध, काले धंधे के काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले यह नाम सामने आ गए और सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में यह जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है जिससे वो देख समझ कर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके ये पूरा गोरख धंधा है अलायंस ऑफ एस बी आई के साथ की गई है हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन हर संस्थान हर, संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है पहले सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल अब लगता है एसबीआई बन गया है और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र एसबीआई और सरकार मिलकर रच ले मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी उसके एवज में कौन सी नीति बनाई इसका फैसला जनता करेगी क्योंकि जनता सब देखती Or, sab hai. I will very briefly make a statement in English on this particular matter. It's of grave national importance. Uh, 24 hours before the SBI was supposed to make names public of who the electoral bond donors were, according to the Supreme Court order of 15th February 2024, not unexpectedly, but in a very shocking and brazen way, the SBI has approached the Supreme Court and has sought time. Until the 30th of June 2024, to make these names public. Why does the SBI need so much time? SBI is not just India's largest lender, it is a fully computerized bank. It operates 48 crore bank accounts, it operates 66,000 ATMs, nearly 23,000 branches all over the country and beyond India. And this SBI needs five months. To be able to gather data for just 22,217 electoral bonds. Why is the BJP so scared of these names coming out? It's important to remind you of two figures here. Between 2017 and 2023, from the onset of the electoral bonds till the end of fiscal year 2023, last year, about 12,000 crore rupees was collected by political parties through electoral bonds it wasn't shocking but two-thirds of that went to the bjp nearly 6500 crore rupees the congress got a measly 9% it is also important to remind you here that after the supreme court order a very shocking report from news minute and news laundry made it public and this is only ice you know the tip of the iceberg that 30 companies contributed to about 335 crore rupees and there were raids on these companies between 2018 and 2023 through various agencies like the cbi ed and income tax 23 of these companies had never donated to a political party before the quid pro quo is for all to see so why is the bjp so scared what is going to change if names become public let the names become public do people in this democracy not have a right to know that who is donating to which political party and how much and at what time and is there a quid pro quo is policy formation happening on the basis of donations being received? Are agencies acting at the behest of these donations? Are agencies coaxing companies to donate to the BJP? Are probes happening and probes closing on the basis of donations that are coming in? And these are very simple questions that must be raised in any democracy. What is it that the SBI needs these five months for? And SBI woke up after 20, 25 days to realize it needs additional time there is a clear attempt by the sbi and the government of india at the behest of prime minister modi and the bjp to conceal the names of donors through electoral bonds but the people of this country can see through these sinister plots and they see that every effort is being made to conceal the names of these donors and it's for everybody to see i don't think there's rocket science to it i don't think there's a maze that nobody can solve everybody can see they can just connect the dots and the dots when connected present a, a very worrisome picture for our democracy and that picture reveals how there is absolute quid pro quo as far as electoral bonds was concerned this was a completely legalized loot that supreme court put an end to and may i dare say by doing what the spi is attempting to do along with the bjp and along with the government of india it is playing into the hands of a political party not just ruining its own reputation, but also is in contempt of what the Supreme Court order stands for. And that is absolute transparency as far as electoral donations are concerned. I also wanted to make a very brief statement. I can make it right now or I can make it after your questions, which is on Google Ads. Uh, a very worrisome report has appeared. Uh, आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए वहां पर दांत चियारे हुए हंसते मुस्कुराते आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर हर साइट पर हर वेबसाइट पर नजर आते थे क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़ -धण पैसा इतना है इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है पानी की तरह बह रहा था वो पैसा पचास गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए गूगल का अपना नियम है कि अगर तीन से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है लगातार उल्लंघन हुआ है हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था हम जानना चाहते हैं उस में क्या गलत था वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल जैसे पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून का को माने और उसका उल्लंघन ना करें यह एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलेंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड्स चलते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए लेकिन पहले आपसे एस के सवालों का स्वागत करते हैं they're trying to say that there are two different silos and that is why they have to transcribe 44000 odd uh, you know uh, uh, electoral bonds from the giver to the taker the supreme court very clearly had said that it should be published by the 13th do you fear that there will be a level playing field that will you know be washed away in case uh, the supreme court gives uh, a relief to sbi I have said it in so many words. I am not going to get into the ambit of what the highest court in this land will do. But once the Supreme Court says that these electoral bonds, should be banned. Once these electoral bonds are unconstitutional, everything that comes with it should be exposed. The Supreme Court had given a very strict directive and, in no uncertain terms, had asked the SBI to make these names public. Are you telling me that the State Bank of India does not have the resources to put out the names of 22,217 electoral bond donors? Is this a joke? You operate 48 crore bank accounts all over the country. You have 66,000 ATMs. You manage 23,000 branches. The workforce is the largest for any lender anywhere in the world. And SBI can't put together 22,000 names? I mean, does that not ring an alarm bell? I do believe that, in the interest of the Supreme Court order, which we have all hailed, which stands for transparency, I do believe that the SBI should be told to make these names public. And I do hope that they will not be getting any relief.

चंदे के बेसिस पर जो सरकार चली है उसकी बात है अब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेगा इस मैटर का मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार में लेश मात्र भी मर्यादा और शर्म थोड़ी सी बाकी रहेगी तो एसबीआई क्योंकि एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वित्त मंत्रालय को एस रिपोर्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करेगी अगर हम ही सब कुछ कर देंगे तो सरकार दस साल से झुंझना बजा ही रही है अभी भी झुंझना बजाने दें सरकार को

you seized our accounts, you took money illegally from us, you did all of that through income tax, we give a damn. and that's because the people of this country realize what you're doing with india's main opposition. we are absolutely fine with it. we are not the ones hiding behind sbi and hiding behind one scripture and hiding behind the other. we are saying, make it public in the interest of transparency. so that counter-narrative falls flat on its face, i hope. Aur Ji, Aap to SBI ki हाँ बोलिए मेरा सवाल आपके गठबंधन के सहयोगी डीएम के नेता ए राजा के बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम हमारे दुश्मन है भारत एक देश है ही नहीं इस तरह के बयान देने वाले जो आपके सहयोगी दल है उनको लेकर आपकी क्या राय है आपकी पार्टी की क्या राय है मैं उनकी बात से शत प्रतिशत असहमत हूं मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूं मुझे लगता है राम हम सबके हैं राम हम सब में हैं मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमाम हिंद कहा गया वो संप्रदायों से धर्म से जाति से ऊपर है राम क्या है राम जीवन जीने का एक आदर्श है राम मर्यादा है राम नैतिकता है राम प्रेम है जिसकी बात हम करते हैं मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूं ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूं पूरी तरह से निंदा करती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को संयमित होकर बात करनी चाहिए के, का पार्टी जारी है। के बाद राजेश राजेश मिश्रा जो आपके केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं हैं और पूर्व सांसद रह चुके उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है तो क्या यह झटका है लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं पार्टी और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नहीं मुझे नहीं लगता झटका है उनका कारण क्या था छोड़ने का मुझे नहीं पता मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल झटका नहीं है अगर आप और ये मैंने पहले भी इस मंच से कहा है और थोड़ा मुझे लगता है मगरूर जैसी लगती हूं मैं ये कहते हुए लेकिन अगर आप कांग्रेस को छोड़कर रातोंरात भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उनका झंडा उठाकर चल सकते हैं आपने जिंदगी भर कांग्रेस की राजनीति की हो आपने जिंदगी भर ऐसी ताकतों का किसका सामना किया हो उनका उनकी खिलाफत करी हो कैसे ये लोग ऐसा कर लेते हैं मुझे नहीं पता ये भी एक फाइन आर्ट है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का जिनका टिकट नहीं होगा या जो भी वो ऐसा करेंगे ऐसा करने में मुझे लगता है सबसे बड़ा जवाबदेही आपकी ना कांग्रेस को है ना कांग्रेस अध्यक्ष को है ना कार्यकर्ता को है सबसे बड़ी जवाबदेही तो अपने अंतर मन को है अपनी अंतर आत्मा को है अगर वो इस काले कारनामों की आपको गवाही देती है तो ऐसा बिल्कुल कीजिए आप आज नहीं कल चले जाइए क्योंकि ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है ये बड़ाई, लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी पड़ेगी अगर जरा सा भी संशय है तो कांग्रेस के सिपाही आप नहीं बन सकते इस दौर में जी um. मुझे इस बच्चों के एड्स को लेकर की जानकारी नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी जो मैंने टिप्पणी की वो इस बार में की कि पिछले महीने गूगल के 50% परसेंट एड्स गूगल वीडियो एड्स जो भाजपा के चल रहे थे वो गूगल के ही अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए और गूगल का नियम यह कहता है कि अगर उनका उनके एड का उल्लंघन होगा तीन से ज्यादा बार नब्बे दिनों में तो वो एड अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एड अकाउंट सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है ये सवाल हम उठा रहे हैं जी मैम प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है उस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है तीन लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जिसमें से एक पर्सन जो है वो इंडियन यूथ कांग्रेस का मेंबर है अब बीजेपी लगातार इस सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि अब जो एमपी है कांग्रेस पार्टी के उनको इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो दिखाता है कि किस तरह से प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है आप एक महिला है मैं भी एक महिला हूँ कुछ बातें इस मंच से करना नहीं चाह रही थी लेकिन कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा पूछने वाले ब्रजभूषण सिंह और उपेंद्र रावत और पवन सिंह में जो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिख गया है वो देखकर मेरी तो आंखें झुक जाती हैं आपकी झुकती या ना झुकती हो मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे शिरोमणि दर शिरोमणि आपकी पार्टी में शामिल है कि आपका आप उनको टिकट देते हैं उनके काले कारनामे और सारी करतूतें बाहर आती हैं उनको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है प्रभु हम चुनाव नहीं लड़ेंगे आप ही की पार्टी के संस्कार है ना जो उपेंद्र रावत करते हुए पाए गए आप में से बहुत साथियों ने वो देखा भी है बाराबंकी के सांसद है क्या करते हुए पाए गए ये आपको अच्छी तरह से पता है डीप फेक और एआई का सहारा ले रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ने लायक नहीं रह गए ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है वो चाहे रामदुलार गौर हो जो दोषी पाए गए चाहे सिंगर हो चाहे ब्रजभूषण सिंह हो चाहे उपेंद्र रावत हो चाहे पवन सिंह जैसे लोगों एक के बाद एक आपका चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से जनता देख रही है तो मेरा मुंह अपने चाल चरित्र चेहरे पे ना खुलवाए तो अच्छा रहेगा जी तेलंगाना से उन्होंने कहा कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है और बाकियों के लिए फैमिली फर्स्ट है मोदी का परिवार तमाम बायोज जो है चेंज किए हैं बीजेपी के नेताओं ने मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी परिवार बड़ा प्रिय होता है इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री उनके लोग उनके मंत्री उनके सांसद उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ता काफी सारी जनता जब यह कहती है मेरा परिवार तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं नौ महीने से जलते हुए छोड़ दिया है क्या मोदी जी केरल जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं मैं तीन नाम आपके सामने लेती हूं चार ले देती हूं चलिए वर्षा थी एक लड़की पुलिस परीक्षा दी उसने उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ परीक्षा रद्द हो गई वर्षा ने आत्महत्या कर ली वो आपका परिवार है कि नहीं है रमेश बिंद मजदूर थे मजदूरी करते थे काम नहीं मिल रहा था कर्जे का बोझ चढ़ गया आत्महत्या कर ली वो आपका परिवार है कि नहीं है आगरा का एक लड़का था तरुण नौकरी चली गई कर्जे के बोझ के तले दब गया उसने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली साथ ही उसकी बेटे और पत्नी का शव पाया गया वो आपका परिवार था कि नहीं था ब्रजेश पाल अभी एक लड़का यूपी का उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब इनसे नौकरी नहीं मिलती और उसके बाद फंदा से लटक गए वो आपका परिवार है कि नहीं है वो आपका परिवार नहीं है क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। क्या है आपका असली परिवार हर घंटे पे जो दो किसान आत्महत्या कर रहा है वो आपका परिवार है कि नहीं है हर घंटे जो दो बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं वो आपका परिवार है कि नहीं है हर घंटे जिन चार महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश में वो आपका परिवार है कि नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक वृहद परिवार के मुखिया हैं मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है और आप परिवार की बात करते हैं शर्म आनी चाहिए आपको और ये सब मुद्दों से भटकाने के प्रयास है मुद्दा इस देश में बेरोजगारी है मुद्दा इस देश में महंगाई है मुद्दा इस देश में बढ़ती हुई गरीबी है बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की खाई है मुद्दा पेपर लीक है मुद्दा बेरोजगारों का भविष्य जो गर्त में जाता हुआ वो है सब मुद्दों से भटकाएंगे इनसे पूछो पूरब तो बचाएंगे पश्चिम पूछो पूछो उत्तर तो बताएंगे दक्षिण यह असलियत है और कोई सवाल जी पूछिए बयान दिया है जिसको लेकर अब बीजेपी बोल रही है राहुल गांधी का बयान ये है कि राम मंदिर की बात होती है एक और लेकिन राम राम करते हैं और भूखे मर जाते हैं पीएम की नीति है जिसको लेकर बीजेपी बोल रही है कि बार बार सनातन धर्म का अपमान जो है वो राहुल गांधी करते हैं बीजेपी की बेवकूफी के वक्तव्यों का मैं यहाँ से जवाब दूंगी इस मंच से इस मंच का थोड़ा आदर करिए आप लोग जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं जो जो नौ करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं वो किसके बच्चे हैं भारत माता के ही बच्चे हैं ना उसके बारे में क्या बोलेगी बीजेपी जिन सारे नामों को मैंने अभी आपको गिनाया ये बेरोजगार बच्चे नहीं है इस देश के ये इन बेरोजगारों के बारे में चर्चा नहीं होगी किसानों के बारे में चर्चा नहीं होगी राहुल गांधी ने क्या राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला राम राज्य की स्थापना कीजिए ना क्या है राम राज्य दैहिक दैविक भौतिकतापा राम राज नहीं कहूं व्यापा आपके राज में किसान मजबूर है मजदूर मजबूर है बेरोजगार युवा मजबूर है औरतें मजबूर हैं किस तरह की बातें ये लोग करते हैं? मुझे कभी-कभी लगता, है दे मुझे कभी -कभी लगता है कि इनको और कोई सवाल धन्यवाद जी मैम सवाल है मेरा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है 2024 से पहले इस मामले को कैसे देखती है क्योंकि चाइनीज प्रीमियर को आज तक उन्होंने बधाई नहीं दी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना से मोदी जी का बड़ा लगाव है भाई आपको इसमें इतना हथप्रभ क्यों है आप भूल गए गए क्या क्या कि वो लाहौर लपके लपके चले थे बिरयानी भगवान जाने क्या खाने नवाज शरीफ के ही तो घर गए थे आप भूल गए क्या कि किसी को पता ही नहीं था कैबिनेट में मुझे याद है पच्चीस दिसंबर या चौबीस दिसंबर का दिन था एक उन्हीं के मंत्री के यहाँ बोझ था मैं तब पत्रकार होती थी वहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बैठे हुए थे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे हम लोगों ने पूछा आपको पता है उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता है वो वहां लपके हुए पाकिस्तान चले जाते हैं पाकिस्तान के आईएसआई को पहली बार इस देश की सरजमी पर बुलाने की हिमाकत नरेंद्र मोदी जी ने करी पठानकोट में पाकिस्तान से उनका बड़ा गहरा संबंध है भाई बहुत मानते हैं पाकिस्तान को वो अठारह अठारह बार जब चाइना जाते हैं या तीस तीस बार जब शी जिनपिंग से मिलते हैं आप गए किसी अपने दोस्त को लेकर महाबलीपुरम में नारियल पानी पीने और शहनाई सुनने मोदी जी गए थे आप बैठे हैं साबरमती के तट पर झूला झूलते हुए अपने किसी दोस्त के साथ मोदी जी ने झूला है मोदी जी ने अपने दोस्त को सबसे बड़ी क्लीन चिट दी और वही दोस्त बार बार कहता है उन्नीस उन्नीस लेवल की कोर कमांडर की टॉक में चाइना का पीएलए क्या कहता है आपका प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है हमारे जाबाजों की शहादत हो गई बड़ा प्रगाढ़ संबंध है बड़ा गहरा संबंध है बहुत दोस्ती है बहुत प्रेम है आप लोग नाहक भोले हैं आप लोग समझ नहीं पाते इस अमर प्रेम कथा को बड़ी अमर प्रेम कथा है चीन से एक हाथ पर पाकिस्तान से दूसरे हाथ पर और भी कोई सवाल धन्यवाद